बैंक ने किसान के साथ ऐसी चाल चली कि उसको बिना कर्ज दिए ही बैंक ने रजिस्ट्रार को भूमि प्रबंधक पत्रक निकाल दिया। एक्सिस बैंक की सेवाओं से नाराज किसान पर हावी हुए बैंक कर्मी। तो वहीं किसान पुत्र ने अभद्रता की वीडियो बनाई तो किया मोबाइल छीनने का प्रयास। आपको बता दें कि प्रदेश सहित जिले भर की बैंकों की समस्याओं से आए दिन उपभोक्ता और किसान दो चार हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अपने आप को किसान हितैषी बताने वाली सरकार सिर्फ वादों तक ही सीमित है। केंद्र में बैठी मोदी सरकार और प्रदेश की शिवराज सरकार की योजनाएं सिर्फ भाषण तक ही सीमित हैं। उनकी योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर नहीं उतरने या फिर सेवा में कमी के चलते शासकीय विभागों और बैंकों में मुंहवाद और हाथापाई तक की नौबत बन रही है। ऐसा ही कुछ शहर के एक्सिस बैंक में एक किसान के साथ सामने आया। उक्त किसान को बैंक के कर्मचारी काफी समय से परेशान कर रहे थे। ऐसे में इस किसान का सब्र का बांध टूट गया और बैंकिंग की सेवा शर्तों में कमी के कारण किसान ने लोन लेने से इनकार कर दिया। करीब 2 से 3 माह से अपनी लोन की फाइल में लगे दस्तावेज वापस लेने की मांग कर रहा था तो बैंक कर्मी उस पर भड़क गए। किसान के पुत्र ने अभद्रता की वीडियो बनाई तो देखते देखते वहां पर मौजूद गार्ड और बैंक कर्मी किसान का मोबाइल छीनने के साथ उस पर हाथापाई तक उतारू हो गए। दरअसल मामला सागर सोनी पिता जगदीश सोनी निवासी सुसोदिया कॉलोनी का है। बैंक ने किसान के साथ ऐसी चाल चली कि उसको बिना कर्ज दिए ही बैंक ने रजिस्ट्रार को भूमि प्रबंधक पत्र निकाल दिया, जिसकी जानकारी लेने गए किसान सागर के साथ बैंक अधिकारियों द्वारा हाथापाई की गई। एक्सिस बैंक का फर्जीवाड़ा यहां तक नहीं रुका। उसने वर्ष 2019 में समाप्त हुए कर्ज खाते से दोबारा वसूली तक कर डाली और वर्तमान लोन स्वीकार करने के बहाने P5 का पैसा उलझा दिया। आपको बता दें कि बैंक की इस कारस्तानी को देखते हुए किसान ने 100 डायल पुलिस के साथ ही मीडिया कर्मी को मौके पर बुला लिया और पूरी घटना से अवगत कराया। इसके बाद आनन फानन में बैंक मैनेजर ने किसान को आश्वस्त कर उसके साथ हुए घटनाक्रम को लेकर माफ़ी मांगी और सारे माजरे को हल करने की बात कही। हालांकि बैंक मैनेजर इस मामले में मीडिया के सवालों से कन्नी काटते दिखे और उन्होंने कैमरे के सामने कोई जवाब नहीं दिया। ब्यूरो रिपोर्ट IPN.